सबसे पहले या तो आप किसी को धमकी दे दें, या तो फिर अगर नहीं है आप में ताकत धमकी देने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको बेयर करने की, तो धमकी दे ही ना। हाल फिलहाल अल्पेश यादव जो है थोड़ा सा चौड़ में दिखाई देते हैं वीडियो में, लेकिन उसके बाद वो अपनी बातों को उस तरीके से टाल देते हैं कि मैंने धमकी दी ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मेरा नाम गणेश कांदू है, मैं स्वागत करता हूं आपका। आपको बता दें कि किसी को हंस के धमकी देना भी धमकी ही मानी जाती है, और आप उस चीज पे टोपन नहीं डाल सकते हैं, या फिर यूं कह लो कि आप उस चीज को ढक नहीं सकते हो ये कहते हुए कि यार मैं धमकी थोड़ी दे रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। ये आपकी बातें क्लियर कट स्टेटमेंट है कि अपने भाई के साथ प्यार से रहना, प्यार से पेश आना, वरना मेरा दोस्त मतलब इस छोड़े की इतनी मजाल हो गई। ये सारी जो बातें आप बोल रहे हो ना वो काउंट धमकी में ही होती है, लेकिन खैर अभी मैं क्या ही समझाऊं आपको, क्योंकि इसके पहले भी आपने ये सारी चीजें की और उसके भी आपने देखा है कि कैसे ये सारी चीजों का भुगतान आपने किया। बट फिर भी अभी हाल फिलहाल साई केतन राव को अल्पेश यादव धमकी देते हैं और उसके बाद तुरंत कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा था। इनको एक चैनल ने क्लियरली ट्रैक किया ये कहते हुए कि अल्पेश यादव ने डिस्प्यूट हुआ लवकेश कटारिया का, तो उस पर झगड़ा हुआ साई केतन राव और लवकेश कटारिया का, तो अल्पेश यादव ने धमकी दी, जिस पर अल्पेश का रिप्लाई देखो आप, अल्पेश रिप्लाई करते हैं फेक न्यूज ही कह दे, थोड़ा तो शर्म करो। मतलब भाई शर्म असलियत में जिसको करनी चाहिए वो ट्वीट कर रहा है, धमकी आप दो है ना, गुस्सा आप दिखाओ, चेहरे पे स्माइल रख के धमकी दो, और फिर उसके बाद आके सोशल मीडिया पे बोल दो कि मैं किधर, मैं तो मजाक कर रहा था, फेक न्यूज ही कह दे। किस हिसाब से फेक न्यूज भाई, आपने खुद अपने ब्लॉग में धमकी दी है, और उसके बाद कुछ अल्पेश यादव के फैंस, कुछ सो कॉल्ड फैंस या फैंस ही कह लो, फैंस ही कह दे, वो लोग आके अब ये कहते हैं कि अल्पेश यादव ने, मतलब लोगों ने अल्पेश यादव की आधी वीडियो शेयर की, पूरी वीडियो शेयर नहीं की। भाई आप अगर 10 सेकंड 5 सेकंड की ही धमकी दोगे तो उतना ही वीडियो शेयर किया जाएगा ना। फिलहाल तो अल्पेश यादव इस चीज से नकार रहे हैं, लेकिन दोस्त धमकी धमकी होती है, अब चाहे चेहरे पे हंसी रख के दो या चेहरे पे गुस्सा रख के दो। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।